दोस्तों संडे का दिन था, सुबेरे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 27 डिग्री था। हम लोग टाउनशिप में से द्वारका, सुदर्शन सेतु, बेट द्वारका और शिवराजपुर बीच जाने के लिए निकले। बहुत खुश थे हम लोग। और फिर हम लोग 11:30 बजे के आसपास टाटा केमिकल्स के पास में, जो मीठापुर में, वहां पहुंचे। उसके पास में पहुंच करके जब आप आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स बेट द्वारका, तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे शिप्स या स्मॉल बोट्स आप बोल सकते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए होती हैं, उसके ऊपर में तिरंगे लहराते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारा बोट देखने के बाद में आपको इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है ये, कि बस आपका मन करेगा इसको देखते ही रहें। बट अभी हमारा समय था और हम लोग ट्रेवल करके टुवर्ड्स बेट द्वारका, जी हाँ दोस्तों, बेट द्वारका जा रहे थे, जो कि हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था। क्योंकि बेट द्वारका में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जिसको बोलते हैं सुदर्शन सेतु, ये देखने के लिए हम लोग घर से निकले थे। और हमारा फर्स्ट टारगेट था कि हम लोग बेट द्वारका जाके उससे पहले सुदर्शन सेतु के ऊपर से होते हुए गुजरें। बहुत ही अच्छा पुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी एक कहानी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि इसका इनॉग्रेशन खुद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किया था। ये ओखा का मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु है, जो लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और यह 2.32 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा केबल का पुल है। जी हाँ दोस्तों, आप आगे देखेंगे तो यह केबल के ऊपर में झूलता हुआ है। इसमें 500 मीटर लंबे मुख्य स्पैन के साथ साथ में 3 स्पैन और हैं, जो भारत में अब तक के सबसे लंबे हैं। और दोस्तों दोनों तरफ के अन्य 3 स्पैन की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 100-100 मीटर की है, और जो 2 स्पैन है उनकी लंबाई 50-50 मीटर की है। तो दोस्तों इस तरह से ये सबसे लंबा पुल है। और ओखा और बेट द्वारका की तरफ के अप्रोच जो ब्रिज की लंबाई है वह भी क्रमशः 770 मीटर और 650 मीटर की है। दोस्तों इतना लंबा पुल आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। पहले कोलकाता का एक ब्रिज हुआ करता था, बाद में मुंबई का बना। लेकिन अगर आप बेट द्वारका जा रहे हैं तो आप सुदर्शन सेतु के ऊपर से होते हुए जाएं। यहां पर आपको बहुत ही सुंदर एहसास होने वाला है। यह समुद्र के ऊपर बना हुआ है। पहले यहाँ पर बोट से हम लोग द्वारका से बेट द्वारका तक जाया करते थे, जो कि बहुत ही अनसेफ लगता था मुझे। बट उस समय पर और कोई भी साधन नहीं होने की वजह से लोग शिप्स में बैठ के जाया करते थे। और वो जो स्मॉल शिप्स या बोट्स आप बोल सकते हैं, उसमें एक खतरा हमेशा बना रहता था, जिसकी वजह से लोग उसमें बैठने से भी डरते थे। स्पेशली जो एल्डर्स हैं, जिनको पता है कि वह डूब जाएंगे या उनको पानी में तैरना नहीं आता है, वह उसमें नहीं बैठते थे। बट इस ब्रिज के बनने के बाद में आप अपनी कार से ट्रेवल करते हुए द्वारका से होते हुए बेट द्वारका की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर पुल है। इसका इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और हम लोग भी इसको देखने के लिए यहाँ तक आए। बहुत उम्मीदें थी, और सुदर्शन सेतु जो है ये सारी उम्मीदों के ऊपर में खरा उतरा है। दोस्तों ये एक और लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री में, और बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा इस चीज़ को इतनी सुंदरता से बनाया गया है कि आने वाले जो आगंतुक हैं, जो इधर टूरिस्ट आने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र सालों साल तक रहेगा। ये जो आप केबल्स देख रहे हैं अगल बगल, इनकी भी मोटाई बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप जैसे ही इस पुल को क्रॉस करते हैं, तब आप एक पूरा समुद्र क्रॉस कर जाते हैं और आप द्वारका से बेट द्वारका, जी हाँ दोस्तों, उस तरफ भी द्वारकाधीश जी का टेम्पल है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। और इस बार का जो ये वीडियो है, ये हमने सिर्फ सुदर्शन सेतु के लिए ही रखा था। ये जो लास्ट का है पुल का पार्ट, ये 100 मीटर का है, जो आगे जा कर के बेट द्वारका में टच करेगा। दोस्तों वहां पर जाकर के आपको पार्किंग की भी व्यवस्था मिलती है, और भी जो जो चीज़ें हैं वो सब हम आपके लिए लेकर के आएंगे। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वह बेट द्वारका में द्वारकाधीश के टेम्पल का आएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए। हम जहां पर भी जाएंगे वहां की हर चीज के बारे में बारीकी से पता करके आपके लिए लेकर के आएंगे। इस ब्रिज के ऊपर आने का कोई पैसा नहीं लगता है। जो पार्किंग है राइट साइड में वो आएगी, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो आप अगर बेट द्वारका जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो निश्चिंत होकर के जाइए। और द्वारकाधीश के दर्शन अब हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो था ये सुदर्शन सेतु के लिए था। आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारा सपोर्ट करिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ बेट द्वारका टेम्पल, और बी देयर विद अस। जय द्वारकाधीश, जय हिंद।